अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में अपने बैंक अकाउंट में कैश को कैसे डिपॉजिट किया जाता है या अपना बैंक अकाउंट में पैसा को कैसे जमा करते हैं, मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सऊदी अरब में अगर किसी का बैंक अकाउंट है या एटीएम कार्ड है तो वो खुद से ही एटीएम मशीन के जरिए अपने अकाउंट में पैसा को जमा करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं कैमरा को ऊपर करके बैंक का नाम आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बैंक अल जजीर। रात के 11 बज रहे थे लेकिन फिर भी दोस्त ने कहा कि मेरे अकाउंट में पैसा को जमा करना है। तो इस वक्त हम एटीएम मशीन के बाहर में बैठे हुए हैं और इसी एटीएम मशीन के जरिए दोस्त के अकाउंट में पैसा को जमा करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये वो मशीन है। इस मशीन के जरिए हम अपने अकाउंट में कैश को डिपॉजिट करते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को करीब से दिखा रहा हूँ। मशीन में एटीएम लगाने का तरीका ये है, एटीएम को बाहर रखते ही पूरा एटीएम वो अंदर चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे हम इंडिया का लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्क्रीन पर बहुत सारा लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगा। अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पर आ जाता है। यहाँ मेन मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद हमसे एटीएम का पासवर्ड मांगा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो 4 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर भी एंटर करना पड़ता है। यहाँ भी एटीएम का पासवर्ड 4 डिजिट का होता है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना। उसके बाद हमें कैश डिपॉजिट पर क्लिक करना है। कैश डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक बॉक्स का कवर जो है वो ओपन होता है ऑटोमेटिक। यहाँ कैश विथड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी। तो हमें कैश डिपॉजिट करना है तो कैश डिपॉजिट पर क्लिक करना। यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सैलरी या सेविंग्स पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ मैं सैलरी पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो बॉक्स है ये बॉक्स ऑटोमेटिक ये कवर ओपन हो जाता है और यहाँ हमें पैसा को इस तरीके से सीधा डालना पड़ता है। तो ये बॉक्स का कवर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और इस तरीके से ही बॉक्स में कितना पैसा डालते हैं वो बॉक्स में डालने के बाद मशीन काउंटिंग करता है। काउंटिंग करने के बाद आपको डिस्प्ले पे इस तरीके से शो कर दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो, 100 रियाल में डाला था तो यहाँ मुझे 100 रियाल वो शो कर दिया गया है। तो यहाँ से मैं कंफर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद मुझे मेरा टोटल अमाउंट यहाँ शो कर दिया जाता है। 100 रियाल मैं अपने अकाउंट में जमा किया था तो ऊपर में इसे दिखा रहा है और टोटल न्यू अमाउंट 903 रियाल दिखा रहा है। और उसके बाद वुड यू लाइक टू अनदर ट्रांजेक्शन, तो नो पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपका एटीएम इस तरीके से बाहर आ जाता है ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से ही सऊदी अरब में अपने अकाउंट। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को समझ सके और देख सके। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।